सब्सक्राइब कीजिए हमारे ई कॉमर्स आइडियाज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक, वेलकम टू आवर चैनल ई कॉमर्स आइडियाज पे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो रिसेंट प्रोसेस के बारे में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको मीशो पे रजिस्टर करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा और क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है अगर मीशो में आप एज अ सेलर ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्टली स्क्रीन पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो सर, पहले दो एक बात यहाँ पे बता देता हूँ कि मीशो के बारे में, कि आपको पता है कि मीशो एक जो ऐप है वो सप्लायर के लिए अलग, मतलब अलग आपको कमीशन जो है वो सबसे कम है, जो हर कोई मार्केट प्लेस नहीं देता है, क्योंकि हर कोई मार्केट प्लेस जो कमीशन रेट होता है थोड़ा हाई होता है और मीशो में जो कमीशन रेट है वो 2% से कम है। ये हर सेलर्स के लिए सबसे स्टार्टअप करने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कम कमीशन में अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। तो मीशो पे आप अपना जो प्रोडक्ट है वो आप सेल कर सकते हैं, आपका जो कैटेगरीज है उस हिसाब से आप सेल कर सकते हैं और अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग कमीशन रेट है, बट यहाँ पे मैक्सिमम जो कमीशन है वो 2% से ज़्यादा नहीं है। तो आपको मैं आपको बताऊंगा प्रोसेस क्या है और बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रजिस्टर करना है और क्या 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 बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है मीशो के तरफ से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको मीशो पे अपना जो सेलर अकाउंट रजिस्टर करना है। तो ये जो लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली आप इस पेज पे विजिट कर पाएगा। मैं इस जो पेज का लिंक है, मतलब यूआरएल का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली इस पेज पे विजिट कर पाए और अपना सेलर अकाउंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रजिस्टर करना है। तो उससे पहले कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मीशो में रजिस्टर करेंगे तो क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलने वाला है गारंटीड व्यूज़। कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसका गारंटीड व्यूज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। टेस्ट मीशो फॉर फ्री, आपको यहाँ पे नो कैटलॉग फीस, नो ऑनबोर्डिंग फीस, नो एग्जिट फीस, कोई भी कुछ भी आपको यहाँ पे देना ज़रूरी नहीं है अगर मीशो रजिस्टर के पहले या बाद में, नहीं यहाँ पे कोई भी फीस यहाँ पे आपको पे करना नहीं होगा। नंबर थर्ड, नो प्रमोशन नीडेड, यहाँ पे आपको कोई भी प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर मार्केट प्लेस में आपको कैंपेन अलग अलग से रन करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे जो मीशो का जो रीसेलर्स है उन लोगों ने आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट कर देगा और आपका ऑटोमेटिकली जो व्यूज है वो जनरेट हो जाएगा। और नंबर फोर है लोएस्ट रिटर्न, यहाँ पे कि मीशो जो रीसेलर्स है वो प्रोडक्ट को देखते हैं, उस प्रोडक्ट को बहुत सारे उन लोगों का कस्टमर्स है जो देखते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट को खुद उन लोगों को पता चल जाता है और कस्टमर्स को भी बताता रहता है कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट्स है। तो रिटर्न रेट्स भी आपको इस वजह से यहाँ पे आपको रिटर्न रेट भी कम मिलेगा। तो ये मीशो में रजिस्टर करने का कुछ बेनिफिट्स आपको मिलने वाला है। तो चलिए कैसे रजिस्टर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल डॉक फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो मेल आईडी है उससे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि अगर लॉगिन है आपका मेल आईडी तो ऑटोमेटिकली फॉर्म ओपन हो जाएगा, नहीं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने जीमेल आईडी से आपका जिस अकाउंट से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी मैं डेमो के पर्पज़ में आपको दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ई कॉमर्स आईडिया से आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। तो आपको आपका जो जिस एड्रेस से आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं उस एड्रेस मेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि हर मार्केट प्लेस में आपको देना पड़ता है वही एड्रेस पे आपको यहाँ पे मेल आईडी डालना है जो रजिस्टर करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपको लीगल नेम एज मेंशन इन जीएसटी सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट के जिसके नाम है, मतलब अगर आप कंपनी नाम अगर आपका खुद का नाम पे है तो खुद का नाम वो यहाँ पे आपको डालना है। नेक्स्ट आपको डालना है आपका ट्रेड नेम, जो बिजनेस नेम है वो यहाँ पे आपको डालना है, जो जीएसटी सर्टिफिकेट पे है या आपका जो लाइसेंस पे है वो आपको डालना है। तो ये यहाँ पे ट्रेडमेंट नेम जो है यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट आपको सप्लायर कंप्लीट पिकअप एड्रेस, आपका प्रोडक्ट कहाँ से पिकअप होगा वो यहाँ पे डिटेल्स एड्रेस आपको देना है, जो जहाँ से आपका प्रोडक्ट पिकअप होगा, जिस वेयर हाउस से आपको पिकअप होगा। नेक्स्ट आपको डालना है सप्लायर पिकअप एड्रेस पिन कोड, जिस पिन कोड से प्रोडक्ट पिकअप होगा वो पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है। नेक्स्ट देना है आपको सप्लायर पर्सन नेम, जो आपका जो बिजनेस है जो ऑर्डर्स को पिकअप करेगा, मतलब आपका हैंडल करेगा, आपका बिजनेस हैंडल करेगा, जो ऑर्डर्स को प्रोसेस करेगा उनका जो नाम है यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद उनका जो फ़ोन नंबर है, उसका जो पर्सनल जो फ़ोन नंबर जहाँ से आप मीशो अगर चाहे तो उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाए उस पर्सन से, उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद उनका ऑल्टरनेटिव कोई भी नंबर हो तो भी आपको डालना है, हो सकता है आपका
फर्स्ट मेंबर कुछ नॉट रीचेबल हो या अनअवेलेबल हो तो अब आप दूसरे मेंबर से आप कॉन्टैक्ट कर पाए अगर इमरजेंसी के पर्पस जरूरत पड़े तो मीशो की टीम की तरफ से। उसके बाद आपको यहाँ पे GST नंबर आपको देना है, उसके बाद आपको GST सर्टिफिकेट का जो फोटोकॉपी मतलब स्कैन कॉपी हो या इमेजेस हो उसका JPEG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर आपको देना है, जो बैंक से बैंक में आपको जो सेलिंग अमाउंट क्रेडिट होगा वो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद अपलोडेड स्कैन कॉपी, कैंसिलेशन चेक, उस अकाउंट का कोई भी कैंसिलेशन चेक या फर्स्ट पेज का जो स्कैन कॉपी है वो आपको PDF में या आपको JPEG इमेज जो फॉर्मेट है वहाँ पे वो करके आपको यहाँ पे ऐड करना है मतलब अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि आपका आप क्या है, आप रिटेलर है या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर या अदर है। अगर आप अदर है तो उसको मेंशन करना है, अगर ऊपर से कोई भी तीनों ऑप्शन के अंदर आप है तो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन है एग्री करना है और उसके बाद सबमिट करना है। अगर आपका अभी भी इसके ऊपर कोई भी क्वेरीज है मतलब प्रोडक्ट इसलिए टाइम के बारे में या रिटर्न्स के बारे में या पैकेजिंग के बारे में कोई भी आपको क्वेरीज है तो आपको यहाँ पे आंसर को यहाँ पे आपको लिखना है, आपका जो क्वेरीज रहेगा यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना जो सेलर अकाउंट है मीशो पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है ये यहाँ पे बता रहा है कि मीशो 3 डेज में ये जो प्रोसेस कंप्लीट कर देता है, बट मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया 1 दिन के बाद ही मेरे को जो डिटेल लॉगिन पैनल का डिटेल्स मेरे को मिल गया, ID पासवर्ड उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है सब मेरे को मिल गया है। तो एक मैक्सिमम 3 डेज के अंदर ही आपको रिसीव हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन पैनल का लॉगिन ID पासवर्ड के लॉगिन करके अपना जो प्रोडक्ट जो है लिस्टिंग करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये आप ये बताएंगे कि प्रोडक्ट का जो कमीशन है कितना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा वो कवर करूंगा कि हर कैटेगरीज पे कितना कमीशन देता है मीशो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके बाद कैसे आपको प्रोडक्ट को ऐड करना है, कैसे आपको ऑर्डर पर प्रोसेस करना है, लिस्टिंग कैसे करना है, सब मैं अलग अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मीशो की पूरा जो सीरीज मैं बना रहा हूं तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मीशो की रिलेटेड कोई भी वीडियोज आप मिस ना करें, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसका जो लिंक है वो फॉर्म का लिंक जो पहले मैंने बताया वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो जाके आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके अपना जो सेलर अकाउंट है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस आपको बताया है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है मीशो में स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको अपना जो सेलर जो अकाउंट है रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कमीशंस क्या है, हर कैटेगरीज पे कितना कितना कमीशंस आपको पे करना है, कितना कितना कमीशन होता है हर कैटेगरीज पे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा कि कैसे आपको वहाँ पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, सिंगल लिस्टिंग कैसे करना है, बल्क में कैसे करना है, ऑर्डर का प्रोसेस कैसे करना है। तो इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैं मतलब देने वाला हूँ आपके इस मीशो के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा सीरीज आप देखना चाहते हैं कि हमारे मीशो के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी भी आप हमारे चैनल में नए हैं तो भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई वीडियोस आप हमारे चैनल की मिस ना करें। और आप हमारे चैनल को सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक अपने समक्ष से मिल जाएगा। और इस वीडियो के ऊपर कोई भी आपका क्वेरीज है, कोई भी आपका क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप डायरेक्टली आप हमारे हमको इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।